Hello my dear students, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Medical Extinct. आज हम स्टडी करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जेनेटिक कोड। उसको लर्न करना बड़ा मुश्किल काम होता है तो हम आज उसको लर्न करेंगे। उसके लिए ट्रिकी तरीके से हम लर्न करने का पूरा सिस्टम क्रिएट करके रखे हैं। हम पहले अपने शरीर में 20 तरह के अमीनो एसिड जो पाए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो दो तरह इसका हिस्सा होता है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। एसेंशियल अमीनो 10 होते हैं जिसमें दो सेमी एसेंशियल माने जाते हैं और नॉन एसेंशियल भी 10 होते हैं। इनको याद करने का भी हम आपको ट्रिक बताएंगे और जेनेटिक कोड को याद करने का भी हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक न कर सकते हैं, कहानी सुनाएंगे और एक ऐसी कहानी जो बड़ी ही शानदार होने वाली है, बड़े ही मजेदार होने वाली है। अब मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको बहुत आनंद आने वाला है आगे की जो है लेक्चर में। तो चलिए सीखते हैं और बातों को फील करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, मैंने कहा कि हमारे बॉडी में दो तरह के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो चलिए पहले एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में जानते हैं। इसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, इंदिरा तू ले ले मेरा पुराना टीवी आज ही। दिस इज अ ट्रिक टू लर्न एसेंशियल अमीनो एसिड। ये एक ऐसा ट्रिक है जिसे हम एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में लर्न कर सकते हैं। हमने कहा 10 एसेंशियल अमीनो एसिड में पहला जो इंद्रा से हम याद करेंगे, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ओके, टी से थ्रियोनीन, टी से थ्रियोनीन, एल से ल्यूसीन, एल से ल्यूसीन, एल से ल्यूसीन और अगले एल से लाइसीन। अगले एल से क्या होगा? लाइसीन। अगले एल से क्या होगा? लाइसीन होगा। फिर अगले एम से क्या होगा? मैथियोनिन, मैथियोनिन, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन। उसके बाद क्या होगा? टी से ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन या ट्रिप्टोफैन। ओके, उसके बाद वी से वैलिन, वी से वैलिन। ए से आर्जिनिन, आर्जिनिन और एच से हिस्टिडीन। So this is 10 essential amino acid and which two amino acid are considered as a semi essential amino acid here. बातें फील आ गई। तो ये जो 10 एमिनो एसिड हैं, इसमें 10 एसेंशियल एमिनो एसिड है और 10 नॉन एसेंशियल के बारे में बताएंगे और 20 का हम जेनेटिक मैपिंग करेंगे, जेनेटिक कोड का मैपिंग करेंगे और कौन कौन सा जेनेटिक कोड किस किस एमिनो एसिड के लिए कोडेड होता है उसके लिए मैं कहानी सुनाऊंगा पंडित जी का। और उसके बाद मेरे को पूरा भरोसा है कि आपको जीवन में कभी जेनेटिक कोड लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा ही मजा आने वाला है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको अगले भी वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाए, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आपको मिल जाए। तो चलिए आइए सीखते हैं। मैंने कहा दूसरा हिस्सा जो इसका है वो है क्या? दूसरा हिस्सा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। कैसे याद करते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को? ध्यान दीजिएगा, उसको याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है PCSTOG, PCS, TO, GSQ, ठीक है, GS नहीं, AGQ, है ना, AGQ, PCS, TO, PCS, TO, AGQ, ठीक है, PCS, TO, AGQ, P से क्या होगा, C से क्या होगा, S से क्या होगा, TO से क्या होगा, फिर AG, इस तरह से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। तो P से होता है प्रोलीन, सी से होगा सिस्टीन, एस से होगा सेरीन, टी से होगा टायरोसिन। प्रोलीन देंगे, प्रोलीन सेरीन, है ना, सी से क्या होगा सेरीन, है ना, एस से क्या होगा प्रोलीन, सी से सिस्टीन, सी से सिस्टीन, एस से सेरीन, सी से सिस्टीन, एस से सेरीन, है ना, एस से सेरीन, टी से टीओ से हो जाएगा टायरोसिन, टीओ से क्या हो जाएगा टायरोसिन, टीओ से हो जाएगा टायरोसिन। ए जी, ए से हम याद करेंगे पहले वाले ए से एलानिन, दूसरे से ग्लाइसिन,
इससे याद रखेंगे एलेनिन और दूसरे वाले से ग्लाइसिन, है ना, पहले वाले से एलेनिन, दूसरे वाले से ग्लाइसिन। फिर अगले ए से क्या याद रखेंगे, एस्पराजीन और ग्लूटामिन। अगले ए से क्या रखेंगे, एस्पराजीन, एस्पराजीन एंड ग्लूटामिन, एस्पराजीन और ग्लूटामिन, ठीक है। और लास्ट जो ए और जी बचा है उसे याद करेंगे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो ये देखिए, ये है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को याद रखने का ये वाला ट्रिक और एसेंशियल एमिनो एसिड को याद रखने वाला ये ट्रिक। आसान है, मजा आया तो बहुत आसान है भाई, PCSTOAGQ, इससे आप बड़ी आसानी से नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को याद रख सकते हैं। और इंदिरा क्ले ले मेरा पुराना टीवी, आज ही से आप एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। और ये कई जगह पूछा जाता है, कभी कभी केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल का हिस्सा है और आपके मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपकी नीट में या बोर्ड के एग्जाम में पूछ जाते हैं तो पूछा ही जाता है। तो इसलिए मेरे को कम से कम हमारे बॉडी में जितने एमिनो एसिड हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और इन्हीं एमिनो एसिड को 20 एमिनो एसिड के लिए हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड के बारे में कि हमारे शरीर में कुल 64 कोडान बने, 4 हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं और चूंकि कोडान ट्रिपलेट होते हैं तो 4 का हमने क्यू कर दिया तो 64 कोडान बना, जिसमें 61 कोडान जो था वो एमिनो एसिड के लिए कोडेड था और जो 3 कोडान बच गया था उसको स्टॉप कोडान कहते थे, आगा आज। याद होगा हमने पिछले वीडियो में इस सब के बारे में बहुत से अच्छे से बता रखा है कि जेनेटिक कोड को कैसे स्टडी करना है, जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड की क्या खासियत होती है, मैं सारी बातें पिछले वीडियो में बता रखा है। इस वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, ट्रिकी तरीके से जेनेटिक कोड को लर्न करना सीख रहे हैं। अभी हमने अमीनो एसिड को लर्न करना सीखा, मैंने कहा कि हमारे बॉडी में 64 कोडान होते थे जिसमें 61 कोडान कोड फॉर अमीनो एसिड और 3 कोडान डज नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। एंड इसको जो है ये कहते हैं कि ये जो है वो स्टॉप कोडान के लिए कोडेड होता है। स्टॉप कोडान कौन कौन से होते हैं, आ गा आज, UAA, UGA, UAG, आगा आज, ओकर, ओपल, अंबर। तो ये स्टार्ट कोडान था, मैंने एक स्टार्ट कोडान भी बताया था, मैंने कहा था GUG या AUG, दिस इज अ कोडिंग फॉर मेथियोनिन, दिस इज अ कोडिंग फॉर मेथियोनिन। अब GUG अगर अंदर है, यानी कि अगर हम बात करें mRNA के बीच में है तब वो वैलिन के लिए कोडेड होता है, लेकिन अगर वो शुरू में आता है, है ना, शुरू में आता है UTR रीजन में, स्टार्टिंग में आता है, तो ये क्या करता है, स्टार्ट कोडान की तरह काम करता है। UTR हमने बताया था अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कि 5 एंड से पहले और 3 एंड के बाद में पाया जाता है। अब हम सीखेंगे कि जेनेटिक कोड को लर्न कैसे करेंगे। तो पहले जेनेटिक कोड हम बनाएंगे बोर्ड पे, कैसे बनता है, 3 हिस्से में उसको बनाते हैं, पहले ये सीखेंगे और उसके बाद फिर हम उसका ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी थोड़ा 5 मिनट आपको जेनेटिक कोड बनाना सिखाएंगे और उसके बाद हम ट्रिक सिखाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आप लोग भी मेरे साथ बनाने की कोशिश करिएगा अपने कॉपी पे, ठीक है। छापा मत मारिएगा, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे आप लोग भी बनाने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। अगर कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए भाई, तो अब देखो भैया, हम इधर लिख लेते हैं, 4 हिस्सा करते हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, आइए हो गया 2-4 हिस्सा, 4 हिस्सा हो गया। अब भैया इधर भी 4 हिस्सा करते हैं क्योंकि हमको 64 कोडान को खोल करना है, करना है 64 कोडान को खोड करना है। तो अगर हमको 64 कोडान को खोड करना है तो भाई हमें यहाँ कम से कम 64 घेरे तो चाहिए। अरे बोलती नहीं गया, मजा नहीं आता है, 64 घेरे चाहिए कि नहीं चाहिए, ये देखो घेरा बन के तैयार हो गया। अब देखो UCAG UCAG हो गया, और इधर लिख दो UCAG। तो दिस इज अ पैटर्न,
जिसके सहारे बड़ी आसानी से आप जेनेटिक पूल बनाने वाले हैं। अब गुणा भागा सबको आता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है, एक इसको लेना है, एक इसको लेना है और एक इसको लेना है, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसके लेना है और इस तरह से हम लोग क्या जेनेटिक कोड बनाएंगे। तो आइए खेलते हैं। यू यू यू, फिर यू यू सी, फिर यू यू ए, पहले इसको फिर इसको फिर उसमें वाले से, ठीक है, फिर यू यू जी, ठीक है, फिर उसी तरह से यहां से सी यू सी यू ए सी यू यू, यहाँ ये वाला सी यू यू, फिर सी यू सी, फिर सी यू ए, फिर सी यू जी, मतलब समझ आ रहा कि नहीं? फिर इधर से ए यू ए यू यू ए यू सी ए यू ए यू ए यू ए यू क्या ए यू ए फिर ए यू जी, ठीक है, फिर इधर लास्ट वाली मार जाते हैं जी यू यू जी यू सी जी यू, फिर क्या ए तो ऐसे बनना, फिर जी यू जी जी यू जी जग जग मतलब संसार बचपन में है। आगे फिर क्या किया, इधर लेता हूं इसको, लूंगा इससे मल्टीप्लाई करूंगा और उसके स्टार्ट करूंगा। तो कैसे करूं, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, हां कैसे करेंगे? तो यू सी यू, ठीक है, क्या यू सी यू, फिर क्या करेंगे, फिर यू सी सी, फिर यू सी है ना, यू सी ए है ना, फिर यू सी और जी, ठीक है, फील आ रही है, मजा आ रहा है? तो ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करते चलना है, ठीक है, तो यू सी यू यू सी सी यू सी ए यू सी जी। अब देखो इसको लेंगे तो सी सी यू, फिर सी सी सी, फिर सी सी ए, फिर सी सी जी, ठीक है, तो दिस इज अ पैटर्न, सी सी यू सी 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 ए एंड सी सी जी, दिस इज अ पैटर्न। फिर उसके बाद ए सी यू ए सी यू, ठीक है, फिर क्या ए सी सी ए सी सी सीमेंट हो गया ये तो ए सी सी, फिर ए फिर सी और फिर क्या ए, फिर लास्ट वाला ए सी और फिर जी, क्या बात है, मजा आ गया। फिर क्या भाई, फिर इधर जी लेते हैं, जी सी यू जी सी यू, फिर जी सी सी, फिर जी सी ए जी सी ए भाई जी सी ए, फिर जी सी जी जी सी जी। अब आप क्या करें यहां, तो इसको फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यू ए यू, फिर यू ए सी, फिर यू ए ए यू ए सी, क्या मजा आ रहा है, मेरे को तो मजा आ रहा है, मैं तो खेल रहा हूँ उसके साथ, आप भी करो, मजा आया। फिर उसके बाद एक कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद जेनेटिक कोड रोज रटने की जरूरत है, एक बार समझ लो या रट लो, रटना नहीं है मतलब कहानी सुन लो, जैसे कहानी सुनते हो उसके बाद इस पे बेस्ट कोई भी क्वेश्चन आते हैं कर लेंगे आप आराम से। कोई भी जैसे 4-5 दे देता है जेनेटिक कोड और बोलेगा बताइए किसके किसके लिए कोडेड, तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे पीरियोडिक टेबल नहीं याद करते हैं क्लास 11th में केमिस्ट्री में, वैसे ही यहाँ भी हम एक सिस्टम बनाए हैं और उसको बड़ी आसानी, कहानी है वो तो भाई अलग अलग बात बोल देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, कहानी बनाए हैं पंडित जी की कहानी है आपको सुनाएंगे, बड़ा ही बनाएंगे, ठीक है। तो यू ए यू यू ए सी यू ए यू ए जी, अब आते हैं यहाँ, फिर सी ए यू सी ए सी सी ए ए सी ए
Z, okay, first यहाँ आ जाता है, A, U, फिर A, A, हाँ ठीक है, A, C, फिर A, 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 ठीक है, तो A, U, A, A, U, A, A, C, A, 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 G, it's a very easy, है ना, तो आगे बढ़ते हैं, फिर G को multiply करेंगे, तो G A U फिर क्या खाएंगे फिर खाएंगे G A G A C फिर क्या करेंगे Z A G A A G A A फिर लास्ट में आ जाएगा G A G G A G गाग अगे लास्ट विन हियर सो U Z U फिर U Z C U Z C रचना कुछ nice university अच्छा फिर U Z A for U Z Z हाँ U Z C फिर क्या करें C C G U फिर C G C फिर C G A फिर C G G हम दिख रहा है ना जो सामने खड़ा हुआ थे फिर इधर गबड़ा गया सही है नहीं सही फिर अगला इधर A तो A G U फिर A Z C A G A A Z A फिर A Z Z A Z Z Z okay और last one is what Z Z U Z Z C Z Z A and Z G G ए मजा आ गया यार पता नहीं तुमको आया कि नहीं आया चेक करो आया तो जरूर कमेंट करिएगा सर मजा आ गया और नहीं आया तो वो भी बोलिएगा चल बच्चे ये तो हो गया क्या ये तो हो गया भाई हमने जेनेटिक कोड बना लिया अब अलग अलग एमिनो एसिड के लिए मेंशन करना जरूरी है तो देखिए ये जो दिख रहा है ऊपर के दो वो है फेनाइल एलानिन के लिए इसको पीएची से रिप्रेजेंट करेंगे उसके बाद नीचे जो छह दिख रहे हैं ठीक है ये छह हैं ल्यूसीन के लिए एल ई यू ल्यूसीन एसेंशियल एमिनो एसिड है ठीक है फिर उसके बाद क्या है ऊपर के तीन जो है इधर वो है आइसोल्यूसीन के लिए और ये तो बेचारा अलग से मेथियोनीन के लिए है ये ठीक है और बाकी जो चार बच गए वो वैलिन के लिए कोडेड होते हैं किसके लिए कोडेड होते हैं वैलिन के लिए कोडेड होते हैं अब इधर ये चारों जो है एक दो तीन चार है वो चार चार के लिए होते हैं सेरीन प्रोलीन थ्रियोनीन और एलानीन तो ये हो जाएगा सेरीन के लिए ये हो जाएगा प्रोलीन के लिए है ना ये हो जाएगा किसके लिए थ्रियोनीन के लिए है ना किसके लिए हो जाएगा थ्रियोनीन के लिए ठीक है तो दिस इज टी एच आर और ये जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा एलानीन के लिए किसके लिए एलानीन के लिए ठीक है क्लियर अब देखिए इसमें थोड़ा झोल है ऊपर के दो होंगे टायरोसिन के लिए ऊपर के दो होंगे टी वाई आर टायर उसमें फिर लास्ट जो है यू ए यू और यू ए सी हो गया और आ और आर देखिए ध्यान से यू ए ए और यू ए जी ये स्टॉप कोडन है तो ये हो गया स्टॉप कोडन इनका तो कोई मतलब नहीं आ गा आज भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आज कहाँ मिलेगा आपको आ गा ये तो आज मिल गया गा इधर होगा हाँ यू जी ये ना ये वाला भी क्या है स्टॉप कोडन है तो अब इसको याद रख सकते हैं ठीक है आगे देखिए सी ए यू और सी ए सी किसके लिए है तो सी ए यू और सी ए सी है हिस्टिडीन के लिए और नीचे वाला दो ग्लाइसिन के लिए हिस्टिडीन के लिए और नीचे दो वाला जो है वो किसके लिए है वो है ये ग्लाइसिन के लिए नहीं है ये जो है जी एल एन जो है वो है आपका ग्लूटामिन के लिए है ना ये याद रखिएगा जी एल एन ग्लूटामिन के लिए ग्लाइसिन के लिए जी एल वाई होता है तो हिस्टिडीन हो गया जी एल एन यानी कि ग्लूटामिन हो गया एक नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है फिर तो हो गए एएसएन के लिए है ना ठीक है फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे फिर जो दो हो जाएंगे वो एलवाईएस यानी लाइसिन के लिए हो जाएंगे
फिर जो दो है वो किसके लिए हो जाएंगे, एस्पराजिन के लिए और ग्लूटामिन के लिए, एसपी एस्पराजिन। अच्छा अमीनो एसिड के बारे में स्टडी करना है, क्लास 11th में ही पढ़ना था, एस्पराजिन और ग्लूटामिन के बारे में स्टडी करना था। एस्पराजिन हो गया और ग्लूटामिन GLU के बारे में हमको स्टडी करना था, मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में चैप्टर में, है ना। तो चलिए वो तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, अब नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे आपको, अभी तो दो ही चैप्टर क्लास 11th का पढ़ाए हैं, ठीक है। तो दिस इज एस्पराजिन और ग्लूटामिन हो गया, अब उधर एक स्टॉप कोडन हो गया। अब UGU और UGC, तो UGU और UGC होता है सिस्टीन के लिए, CYS सिस्टीन के लिए, और इधर जो स्टॉप कोडन नहीं है। अब UGG किसके लिए होगा, तो वो हो जाएगा ट्रिप्टोफान के लिए, और नीचे चार हो जाएंगे आर्जिनिन के लिए, ये हो जाएगा TRP यानी ट्रिप्टोफान के लिए, और ये हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा आपका आर्जिनिन के लिए, ठीक है ना। और इधर जो होगा ये दो वो सेरीन के लिए हो जाएगा, ठीक है। और AGA और AGG, AGA और AGG आर्जिन और आर्जिनिन के लिए, और फिर ग्लाइसिन के लिए, तो यहाँ हो जाएगा आर्जिनिन के लिए, ARG के लिए, और बाकी जो हो जाएगा वो ग्लाइसिन के लिए, ठीक, समझ में आ गया। तो ये तो रहेगा भैया कोडान बनाने का और लिखने का, पर याद कैसे करें, कहानी तो यहाँ आके फंसती है ना, याद कैसे करें। तो एक कहानी है, एक पंडित जी थे, पंडित जी जो है जजमान के यहाँ गए, तो जजमान के यहाँ इस वाले सिस्टम में गए, जजमान के यहाँ गए तो जजमान ने कहा, जजमान से उन्होंने कहा कि तेरी ही गली आज ले आ गया, उन्होंने क्या बोला, पंडित जी बोले कि तेरी ही गली आज ले आ गया, क्या बोला उन्हें, तेरी, जजमान से बोला तेरी ही गली है ना आज ले आ गया। जजमान साहब से बोले कि, जजमान बुलाए थे जो है पंडित जी को, तो उन्होंने बोला कि चल तेरी ही गली आज ले आ गया, पंडित जी आ गया। अब जजमान के यहाँ नाश्ता उस्ता किए, जब निकलने लगे तो जजमान ने उनके सर पे क्या कर दिया, 20 किलो आलू दे दिया, क्या दे दिया, 20 किलो आलू दे दिया। तो सर पर था आलू, है ना, सर पर था आलू, यानी पंडित जी के सर पे क्या था, सर पर था आलू। पंडित जी घर पहुंचे, पंडिताइन से बोले भैया कुछ खाने पीने को है, तो पंडिताइन जो है मेवा लेके आई, मेवा मतलब समझते हैं ना, हाँ, गरी, किशमिश, छुहाड़ा, मुनक्का। पंडित जी थोड़ा कंजूस टाइप के होते हैं, मैं भी पंडित जी हूँ, देखिए चुनी भी रहा हूँ, ठीक है, तो हर बात की बात दिल पे ना लीजिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि पंडित जी जो है पहले जजमान के यहाँ गए, तो जजमान से बोले तेरी ही गली आज ले आ गया, फिर जजमान ने उनको क्या दिया, आलू दिया, सर पर था आलू, पंडित जी के सर पे आलू था। पंडित जी घर गए, और घर गए तो इनकी पत्नी जो है उनके लिए मेवा ले आई। अब पंडित जी बेचारे मेवा जो है रखे थे कि जब कोई आएगा तो खिलाया जाएगा, या फिर उसको जो है बचा के रखते थे कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तब खाया जाएगा, लेकिन क्या है, पंडिताइन खुश हुई कि सर पे कुछ लिए हैं तो इनको अच्छा कुछ खिला देते हैं, तो पंडिताइन ने जो है मेवा ले आई। तो फिर तो पंडित जी बोले, पंडित जी देखे कि मेवा लाई तो बोले फिर ले आई मेवा, मतलब पंडित जी बोले पंडिताइन से कि फिर ले आई मेवा, मतलब मेवा शुरू में उसको खिलाई थी और फिर दोबारा खिला दी, तो इसलिए क्या हो गया, फिर ले आई मेवा। अब ऐसा बोले तो समझ रहे हैं भाई, माताएं थोड़ा सा जल्दी नाराज हो जाती, तो नाराज हो गई, और नाराज हुई तो बोले पंडित जी सितारे आज से अंगारे बन गए हैं। पंडित जी बोले कि जब नाराज हो गई पंडित जो है पंडित जी की पत्नी, तो बोले पंडित जी कि सितारे, क्या बोले, सितारे है ना, सितारे मतलब सिस्टी और थ्रियोनी, सितारे
आज से, आज मतलब आज नहीं से मतलब श्रेणी, सितारे आज से नाराज हो गए, सितारे आज से क्या हो गए हैं, नाराज नहीं, वो सितारे आज से अंगारे बन गए हैं, है ना, सितारे आज से अंगारे बन गए हैं, अंगारे बन गए हैं। ठीक है बच्चों, ये किसी ने मेरे को सिखाया नहीं है, मैंने आपको सिखाने के लिए बड़ा मेहनत किया, एक कहानी बनाई आप लोगों के लिए। आई होप मेरी कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, और ये जो है जेनेटिक कोड भी आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, 20 तरह के अमीनो एसिड को मैंने बताया, जिसमें कि 10 एसेंशियल थे, 10 नॉन एसेंशियल थे, जिसमें 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हुआ करते थे, जो है एसेंशियल वाले में उसको याद करने के लिए इंदिरा तू ले ले मेरा पुराना टीवी आज ही, और नॉन एसेंशियल को याद करने के लिए क्या बताया था हमने, PR, क्या बताया था, PCS, TO, AGQ, उससे हमने जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को सीखा था। और उसके बाद अब हम जेनेटिक कोड बनाना सीखे, 64 कोडान के लिए, 3 स्टॉप कोडान के लिए होता है, आ आज गा है स्टॉप कोडान के लिए, तो स्टॉप कोडान को याद करने के लिए क्या बोला, आ गा आज, यू यू ए यू ए ए आ गा, यू जी ए और यू ए जी, दिस इज आ गा आज। तो दिस इज अ पैटर्न जिससे आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, आप स्टॉप कोडन के बारे में याद कर सकते हैं, एक ट्रिक ये दे दिया। फिर इनको याद करने के लिए बड़ा मेहनत किया मैंने, कम से कम 2 घंटे सोचा कि भाई कैसी ऐसी कहानी बनाए जिससे बच्चों को सुनाए समझ में आ जाए, तो मैंने पंडित जी की कहानी सुन बनाई, और पंडित जी जो है अपने जजमान के यहाँ गए, उनके जजमान उनको बुलाए थे, जैसे ही पंडित जी जजमान के यहाँ गए, पंडित जी बोले तेरी ही गली आज ले आ गया, तुम्हारी गली आज हम आ गए, तो तेरी ही गली आज ले आ गया। फिर जजमान ने उनको खातिरदारी की और सर पे उनके आलू दे दिया, तो कहे कि जब आलू देकर के घर पे पहुंचे तो क्या था, सर पर था आलू, तो पंडित जी के सर पे आलू था, पंडिताइन खुश हो गई, तो उनको खाने के लिए मेवा ले आई, क्या ले आई, फिर ले आई मेवा, तो पंडित जी बोलो फिर ले आई मेवा, मेवा फिर ले आई, मतलब अगर मेवा ले आई तो भाई फिर इन फ्यूचर खाने के लिए मेवा नहीं रहेगा, इसलिए पंडित जी थोड़ा सा गुस्से से बोलते हैं, गुस्से से बोलती हैं तो पंडिताइन हो जाती हैं नाराज, और नाराज हो जाती हैं तो पंडित जी बोलते हैं सितारे, क्या बोले, सितारे आज से अंगारे बन गए, सितारे आज से अंगारे बन गए, सितारे आज से अंगारे बन गए, मतलब सी से सिस्टीन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन, सेरीन, ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, ARG दोनों जगह नहीं होगा, चेक करिएगा, यहाँ ARG और ARG दोनों जगह नहीं है, ARG नहीं, ठीक है, ARG और ARG दोनों जगह, ये भी ARG है, ये भी ARG है, एक बार चेक जरूर कर लेना बच्चों, ठीक है, एक बार देखता हूँ, ठीक है, एक मिनट चाहिए, ये सही है ना, ये चारों क्या है, ये चारों ARG है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, ध्यान दिया, तो ये भी ARG है, कंफ्यूज ही होना है मतलब सही लिखा है ना, थोड़ा हमको दो जगह दिखा तो हमको थोड़ा सा लगा कि नहीं हमने गलत लिख दिया है, तो ऊपर वाले जो चार है वो भी ARG आर्जिनिन के लिए है, ये भी आर्जिनिन के लिए, तो सितारे आज से अंगारे बन गए हैं, मतलब यहां भी आपको आर्जिनिन ही दिखेगा, यहां भी आर्जिनिन है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहां कोई और है, यहां कोई और, ठीक है, क्लियर, तो फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जसो जुनून के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय प्रणाम, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होगी, अगर सबको समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए और भी मेहनत हम करें, थैंक यू वेरी मच।